फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2022 और एसएससी सीजीएल 2022 में आपका नॉर्मलाइजेशन का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि आपका जो एसएससी का सीजीएल का जो मार्क्स का जो है, मतलब जो फाइनल मार्क्स आता है टीयर वन का, जो मार्क्स का जो पीडीएफ है उसमें कितना मार्क्स शो कर रहा है। और आपका एसएससी जीडी का तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, बल्कि रैंक आईक्यू पे चेक करने में नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ रहा है और एसएससी सीजीएल का मार्क्स एसएससी के द्वारा कितना बढ़ाया गया है, ये इसमें कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ कितना हद तक आप नॉर्मलाइजेशन रैंक आईक्यू का सही होता है और आपका एसएससी सीजीएल का रैंक आईक्यू में कितना मार्क्स बढ़ेगा और रियल में कितना बढ़ा है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। फर्स्ट मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, जो एसएससी सीजीएल का टीयर वन का स्कोर कार्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल का स्कोर कार्ड है और यहाँ पे जो रॉ स्कोर आपको देखने को मिल रहा है 72 और नॉर्मलाइज स्कोर है 78.26044, यानी टोटल अगर 0.26 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 6 नंबर बढ़ रहा है, यानी 6.26 यानी नंबर बढ़ रहा है, 6 नंबर ही मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो रहा है एसएससी सीजीएल स्कोर कार्ड में टीयर वन का। अब बात है कि इसका अगर हम रैंक आईक्यू पे चेक करते तो उसमें कितना नंबर बढ़ रहा है। एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का जो मेरा टीयर वन का जो पहले आंसर किया आया था, पहले रिवाइज आंसर की से पहले, तो उसमें 68 के करीब, यहाँ पे 69 के करीब नंबर था, उसके बाद फिर से बढ़ाया गया है रिवाइज आंसर की में 72 हो गया है और नॉर्मलाइज करके यहाँ पे 78.26 यानी 6 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है नॉर्मलाइज मार्क्स में। अब चेक करके आपको बता देता, तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल का यहाँ पे दिखा रहा है अटैम्प 59 अन अटैम्प 39, यानी टोटल 100 का पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 मार्क्स का टोटल सीजीएल में टीयर वन में। तो यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है कि अटैम्प रॉन्ग है 20 और अटैम्प राइट है 39, यानी 59 में से 20 गलत और 39 सही हुआ। और यहाँ पे नेगेटिव देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स है 78 आ रहा है और पॉजिटिव मार्क्स 78 और जो नेगेटिव 20 क्वेश्चन जो गलत हुए 20, उसमें से इसका 0.5 नेगेटिव है तो -10 हो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे बोनस मार्क्स 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पे 68 हो रहा है माइनस करके और उसके बाद 2 नंबर, तो यहाँ पे 70 होगा। फिर उसके बाद बोनस मार्क्स और भी है, जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन का बोनस मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन का बोनस मार्क्स यानी 4 नंबर, इसलिए यहाँ पे 72 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेक्शनल यहाँ पे दिखा रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस में कितना नंबर है, सभी का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब बात है कि नॉर्मलाइज स्कोर में कितना मार्क्स बढ़ रहा है एसएससी सीजीएल में, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे चेक योर रैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर में रैंक देख सकते हैं 182542 में से 157670 यहाँ पे रैंक दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक भी है, शिफ्ट रैंक भी दिखा रहा है, इसके बाद एवरेज कितना है टाइम पर वो दिखा रहा है। अब आपको नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा देता हूँ, तो नॉर्मलाइज मार्क्स में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे की तरफ कि आपका 69.5 ही यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि बोनस मार्क्स इसमें ऐड नहीं दिखा रहा है। तो बोनस मार्क्स अगर ऐड होता है तो 72 रॉ स्कोर हो जाता है और यहाँ पे 69.5 के हिसाब से ही आपका नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाएगा। यहाँ पे 69.5 से लेकर नॉर्मलाइज मार्क्स कितना 81.07490 ऐसे हो, यानी टोटल कितना नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 11 नंबर, 11.5 नंबर के करीब बढ़ रहा है और वहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो वहाँ पे रियल में 6 नंबर 6.26 यहाँ पे बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ से 5 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर आपका रैंक आई क्यू ज़्यादा दिखा रहा है और यहाँ पे एसएससी का जो है ऑफिशियल जो है स्कोर कार्ड उसमें 6 नंबर ही दिखा रहा है, यानी 5 नंबर कम दिखा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि एसएससी के पास ओवरऑल पूरा डेटा होता है, जिसके वजह से उसमें काफ़ी और ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट भी होंगे, जिसके वजह से मेरा नंबर उतना कम यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो रैंक है कि के पास सिर्फ है 168,000 ही डेटा, यहाँ पर आपको जो पहले बताया कि टोटल 182,000 ही यहाँ पर
डेटा है, जिसके वजह से आरएसएससी के पास टोटल जितना फॉर्म जितना कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उतना का डेटा होता है, यानी 30 लाख 32 लाख जो कैंडिडेट होते हैं 30 लाख उसका डेटा होता है। तो उसके लिए उसी के आधार पे वो बताता है आपका 6 नंबर ही बढ़ा और इसके हिसाब से इतना ही डेटा है, इसमें मेरा ही नंबर के हिसाब से हो सकता है नंबर ज़्यादा है जिसके वजह से 11 नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। तो ओवरऑल रैंक आई क्यू एकदम सही बताता है, ठीक है। अब बात है जीडी का जो है उसमें आपको दिखाया था वो कितना नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी जीडी का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ है कि जोन वाइज रैंक वगैरह भी दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब नॉर्मलाइज स्कोर में टोटल यहाँ पे 88.5 दिखा रहा है रॉ स्कोर, और नॉर्मलाइज स्कोर में देख सकते हैं 102। तो यहाँ पे रॉ स्कोर 88.50 आपको दिख रहा है और यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिख रहा है 102.94। तो यहाँ पे जैसे कि कितना बढ़ रहा है टोटल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1.5 नंबर उधर और 14 नंबर के करीब यहाँ पे इंक्रीज़ आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे डेटा है आपका जितना है उतना ही के हिसाब से, डेटा के हिसाब से यहाँ पे इतना नॉर्मलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम सीजीएल का देखें कि रैंक आईक्यू में 11 नंबर बढ़ रहा था और ओरिजिनल में जो एसएससी का 6 नंबर बढ़ रहा था, तो इसके हिसाब से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा 14 नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पे हो सकता है 9 नंबर या 10 नंबर के करीब बढ़ जाए। तो ये था एक छोटा सा अनुमानित वीडियो जो कि रैंक आईक्यू का और एसएससी का जो रियल फैक्ट है वो इस वीडियो में मैं बता दिया सीजीएल के माध्यम से, जिसका अभी स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया था सीजीएल का एसएससी के ऑफिशियल साइट पे, हो सकता है इसका भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। तो ये था इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का एक ऑथेंटिक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।